हेलो फ्रेंड्स, मैं कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे कुछ कमेंट आए थे क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं है सर, इसे कृपया थोड़ा साफ भेजिए या इसकी पीडीएफ भेजें। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, सी सर्टिफिकेट का आपका क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर आंसर शीट दूंगा फ्रेंड से। देखिए फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ठीक है, विश्राम की हालत में शरीर का वजन डैश पाव पर रखते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, ड्रिल डैश की नींव है। फिर उसका फिर देखिए तीसरा, ड्रिल डैश प्रकार की होती है। राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर कैंडिडेटों की संख्या डैश होती है। देखिए फ्रेंड्स, सावधान की स्थिति में दोनों एड़ियां मिली हुई और पैर खुले हुए, जिनके बीच डैश डिग्री गुणात्मक होता है। फिर देखिए, पहले का आंसर दोनों है, फिर अनुशासन, फिर दो, फिर 150, फिर 30। आगे चलते फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ट्रू और फॉल्स देखना। मैं एसडी कैडेट प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे सकता। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, पीछे मुड़ के वार्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पे दिया जाता है। पीछे मुड़ में 90 डिग्री मुड़ा जाता है। राइफल के साथ पेट पर राइफल तोल सस्ते में होती है। दाहिने देख की कार्रवाई दाहिना गार्ड ऑफ दाहिना में देखता है। तो फिर देखिए, पहला फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है और फ्रेंड्स नीचे आंसर देख सकते हैं, फॉल्स ट्रू दिया हुआ है। आगे देखते हैं, फुट ड्रिल के क्या उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अनुशासन की बाधा पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, आदेश का तुरंत पालन करने की काबिलियत हासिल करने के लिए, व्यक्ति के कर्तव्य के रंग रूप और आकर्षण में सुधार करने के लिए। आगे चलते फ्रेंड्स, एसडी कैडेट निम्नलिखित पदाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे टाइम में भी आया था और ये आता ही आता है। सर देखिए फ्रेंड्स, एसडी कैडेट किन किन पदाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है। तो पहला फ्रेंड देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ कमिश्नर, रक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, आर्मी, नेवी और वायुसेना चीफ, रक्षा सचिव, JCO और यूनिवर्सिटी के चांसलर और NCC डायरेक्टर जनरल, इन सबको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स, वेपन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स वेपन ट्रेनिंग में आपके मतलब कि सारे गनों के रेंज और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मैगजीन में कितनी कैपेसिटी है प्लस उसका वेट, ये सब पता होना चाहिए फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, 5.6 mm एनसास राइफल के मैगजीन में डैश राउंड भरे जाते हैं। तो कितने राउंड भरे जाते हैं फ्रेंड्स? वैसे तो 20 भरे जाते हैं, लेकिन 20 आते हैं लेकिन 18 भरे जाते हैं। 7.62 mm LNG की कारगर डैश गज है। तो कितने फ्रेंड्स? 500 मीटर। MPI का फुल फॉर्म तो मैन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है। वैसे SLR के फायर के समांतर तो डैश राउंड प्रति मिनट होती है। तो कितनी होती है? एक मतलब एक मिनट में SLR कितनी फायर करती है? 20 राउंड करती है। वैसे 0.22 डिलेक्स राइफल की लंबाई तो 43 इंच होती है। आगे चलते फ्रेंड्स, फिर देखिए ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, सही और गलत लिखे। फिर देखिए, दुरुस्त निशानेबाज मुख्य चार उसूल होते हैं। पहला, 0.22 राइफल फोर साइड पर ऑपरेट होती है। तो फ्रेंड्स ये फॉल्स है। उसके बाद 0.22 राइफल फोर साइट हो गया। 7.62 mm SLR मैगजीन में 25 राउंड आते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉल्स है। उसके बाद 0.22 राइफल में फायर होने के बाद खाली केस मैगजीन में गिरता है। तो फ्रेंड्स ये भी फॉल्स है। उसके बाद 7.262 mm SLR की रेंज 800 गज होते। तो फ्रेंड्स ये भी क्या है? फॉल्स है। आगे चलते फ्रेंड्स, शिशस्त्र का फायदा क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, बाई आँख बंद करो, ऑपरेटर के बीच टारगेट को देखो, पॉइंट ऑफ एम चुनो, फोर साइट का नोक पॉइंट ऑफ एम लगाओ, यकीन करो कि साइट सीधी है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अच्छे फायरर के गुण लिखें। एक अच्छे फायरर के क्या क्या गुण सकते हैं? तो दुरुस्त शीर्षक, मजबूत पकड़, अच्छा ट्रिगर ऑपरेटर। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स कृपया ध्यान से देखें, हो सके तो कॉपी हो तो लेके लिख भी लीजिएगा। निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखे। तो फ्रेंड्स देखिए, MMG का मतलब क्या होता है? मीडियम मशीन गन होता है। MPI का मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। इंसास का इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। LMG का लाइट मशीन गन। SLR का सेल्फ लोडिंग राइफल। आगे चलते फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, NCC की पहली NCC की गान की 4 लाइनें लिखे। तो फ्रेंड्स ये आपको NCC सॉन्ग तो आना ही चाहिए फ्रेंड्स, ये 5 से 6 नंबर में आ जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य लिखें। राष्ट्रीय कैडेट कोर का क्या उद्देश्य है? फ्रेंड देखिए,
युवकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उन्होंने उत्तम चरित्र, साहस और मैत्रीपान के अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण के साहसिक क्रियाकलापों तथा खेल भावना, निस्वार्थ सेवा आदर्शों को विकसित करना, संगठित, प्रशिक्षित और प्रयुक्त युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना और आदर्श सदस्य तैयार रहना। फिर जाके मतलब फिर नेशनल इंटीग्रेशन, देखिए फ्रेंड्स 35 नंबर का आता है, भारत के 5 पहाड़ी स्टेशनों के नाम को तो फ्रेंड्स कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पता है, जैसे कि श्रीनगर है, ऊटी है, कुल्लू मनाली है, दार्जिलिंग है, शिमला है, नैनीताल, ये 5 पहाड़ी क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नीचे लिखे राज्यों की राजधानी लिखे हैं, तो झारखंड की राजधानी, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की, फिर हरियाणा की, बिहार की, अंडमान निकोबार की। फ्रेंड्स पता होना चाहिए वैसे आपको ये सब चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स भारत के मुख्य त्यौहार के नाम लिखे तो फ्रेंड्स वो कोई सी त्यौहार लिख सकते हैं, जैसे होली, क्रिसमस, ईद, दिवाली, ये सब। आगे चलते फ्रेंड्स निम्न राज्यों की भाषा लिखे तो फ्रेंड देखिए केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, असम में कौन सी बोली जाती है, असामी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। आगे चलते फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो भारत में मतलब राष्ट्रवाद को जोड़ मतलब तोड़ते हैं, तो जातिवाद है, रंग भेद है, भाषावाद है, राजनीति है और धार्मिक मतभेद है। आगे चलते फ्रेंड्स भारत के 5 प्रमुख नदियों के नाम लिखो तो फ्रेंड्स कौन भी, देखो 5 प्रमुख नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं राष्ट्रीय एकता कैंपों का उद्देश्य लिखो तो फ्रेंड्स जो NIC कैंप लगते हैं, जो मतलब दूसरे स्टेज में दूसरे राज्यों में लगते हैं, जहाँ मतलब कल्चर एक्टिविटी होती है, उसके उसके फायदा क्या है, या देखिए देश में विभिन्न संस्कृतियों को धरोहर की जानकारी मिलती है हमें, संस्कृति, धार्मिक और भौगोलिक रुकावटों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना की जागना, और दूसरे राज्यों के कैडेट के साथ सामंजस्य के साथ रहना, मतलब आपस में मिलजुल के साथ रहना, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना पैदा करना, व्यक्तित्व के विकास और जिनके अच्छे गुण को बढ़ाना। आगे देखिए फ्रेंड लीडरशिप 35 नंबर में आता है, लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे लीडर की 5 विशेषता बताएं, तो नेतात्मक कमांडर की क्षमता जिसके द्वारा वो सैनिक टुकड़ी के एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों का नेतृत्व करता है, और उसकी विशेषता देखिए फ्रेंड्स आचरण, साहस, साहसिक, न्याय, टीम भावना का विकास। आगे चलते हैं फ्रेंड्स प्रभावी नेतृत्व सिद्धांत लिखो, अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना और समक्ष होना, अपनी कमियों को ज्ञान और सुधार, आदर्श प्रस्तुत करना, सही और समझ से निवास, अच्छे न्याय की भावना, अधीनस्थों को टीम भावना में का विकास। आगे चलिए फ्रेंड्स NCC से मानव प्रबंध का क्या उद्देश्य है, तो फ्रेंड देखिए मानव संसाधन उद्देश्य से NCC के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को मानसिक शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त बनाता है, ताकि कैडेट को प्रशिक्षित प्रबल कला में माहिर बना सके। नागरिक नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकते फ्रेंड देखिए कोई भी नागरिकता देखिए 10 नंबर में आता है, बहुत फ्री का नंबर है फ्रेंड देखिए, जन्म से, उत्तराधिकारी के रूप से, रजिस्ट्रेशन से और देश की कुछ शर्तों को पूरा करके नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर में आता है फ्रेंड, देखिए आपदा के प्रकार लिखो फ्रेंड्स, आपदा फ्रेंड देखो 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। फ्रेंड्स प्राकृतिक आपदा वो होती है जो प्रकृति के द्वारा आ जाती है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान, सुनामी वगैरह, और मानव निर्मित आपदा हो गया जैसे फ्रेंड्स जैसे बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, कोई हवाई जहाज क्रैश हो गया, मतलब जो मनुष्यों के द्वारा होते हैं। उसके बाद आगे चलते फ्रेंड्स आपदा प्रबंधन में NCC कैडेट के द्वारा दी जाने वाली 5 सेवाओं के नाम लिखो, तो फ्रेंड देखिए यातायात के नियंत्रण मतलब यातायात में अपना वो दे सकता है, प्राथमिक उपचार, रक्तदान, खाना वितरण करना, मलबा हटाना, आग बुझाने में मदद करना, गार्ड ड्यूटी देना। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अगर आप फ्रेंड्स मैं बता दूं इससे रिलेटेड, अभी अभी मैंने तुरंत अभी सी सर्टिफिकेट का पेपर दिया फ्रेंड्स 3 महीने पहले दिया था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि आपदा प्रबंधन के दौरान NCC कैडेट को क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स ट्रिकी क्वेश्चन बन गया था, तो मतलब नहीं करने मतलब कि अब आप सोच सकते हो फ्रेंड्स कैसे लिखोगे, आप इसका खुद दिमाग लाना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, यानी आपदा प्रबंधन के दौरान NCC कैडेट को क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। आगे चलते फ्रेंड्स NCC कैडेट के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करोगे, तो फ्रेंड्स देखिए बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाना होगा, प्रथम उपचार देना, खाना दवाई आदि उपलब्ध कराना, रक्तदान देना, रक्त सहन की व्यवस्था करना, पीड़ितों को अस्पताल में पहुंचाना, बोट, लाइफ जैकेट और अन्य सामग्री बांटना, सिविल प्रशासन की मदद करना। आगे चलते फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के लिए इतने फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में पार्ट 2 में बना दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको कुछ पसंद आया ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ यार इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।